हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो नोबेल प्राइज़ मिला है इस साल के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए, वो किसे मिला है, क्यों मिला है, कैंसर जो कि इतना हार्मफुल एक रोग है उस पर एक नई सोच, कैंसर के इलाज के लिए एक नई सोच विकसित करने वाले ये दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ऐसा क्या किया है, इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, तो इस पर एक नजर डालेंगे, आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कैंसर होता क्या है। हमारी बॉडी जो है वो कोशिकाओं की बनी है, और जो कोशिकाएं होती हैं यानी जो हमारे सेल होते हैं वो फिर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन फिर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इस तरह से ये हायरार्की है पूरी। तो जो सेल होते हैं वो डायनामिक होते हैं, डायनामिक मतलब उनमें डिवीजन भी होती रहती है और डेथ भी होती रहती है, यानी हमारी बॉडी में नए सेल जो हैं वो बनते रहते हैं और पुराने जो हैं उनकी डेथ होती रहती है, ये प्रोसेस चलता रहता है जिसको रीजनरेशन बोलते हैं, यानी सेल जो हैं वो नए बनते हैं, रीजनरेट होते रहते हैं और उनकी डेथ भी होती रहती है। अब जो हमारी बॉडी में सेल होते हैं वो दो तरह से उनकी डेथ होती है, एक तो जिसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ यानी एपोप्टोसिस, और एक होता है नेक्रोसिस। मान लीजिए आपको चोट लग गई, आपका हाथ सड़क पर लग गया, तो आपका हाथ छिल जाएगा। अब आपका हाथ जब छिल गया तो वहां पर जो आपके स्किन के एपिथेलियल सेल थे उनकी डेथ हो गई। क्या ये बॉडी में नेचुरल रूप से हुई? नहीं, ये एक्सीडेंट की वजह से हुई, यानी ये है नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस वो है जो एक्सटर्नल फैक्टर या इंटरनल फैक्टर की वजह से सेल की डेथ हो जाती है, जो प्रोग्राम नहीं होती। दूसरा होता है एपोप्टोसिस। जैसे आपने सुना होगा कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल, उनकी लाइफ स्पैन होती है 120 डेज, यानी 120 दिन तक जो हमारी लाल कोशिकाएं हैं वो जिंदा रहती हैं। तो 120 दिन के बाद जो लाल कोशिकाएं हैं वो ऑटोमेटिकली उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, यानी ये एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। तो हमारी बॉडी में जो सेल हैं वो नए सेल बनते रहते हैं, पुराने सेल जो हैं उनकी डेथ होती रहती है। लेकिन कैंसर के जो सेल हैं, कैंसर के सेल वो जब डिवाइड करते हैं यानी वो जब नए बनते हैं तो अनकंट्रोल्ड होते हैं, इसीलिए उनकी ग्रोथ होती जाती है और बहुत सारे सेल्स का एक गुच्छा नजर आता है। अब अगर ये सेल्स का एक गुच्छा एक ही जगह रहे तो उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, बेसल लमाइना यानी इनकी जो मेम्ब्रेन है उसको रप्चर करके दूसरी जगह भी जब चले जाते हैं तो वो कैंसर ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। कैंसर भी कई तरह के होते हैं, कार्सिनोमा होते हैं जो लिम्फ के थ्रू फैलते हैं, सार्कोमा होते हैं जो ब्लड के थ्रू फैलते हैं। मोटी बात यह है कि कैंसर दो तरह के होते हैं, एक जो वहीं पर रहते हैं जैसे कि रोडेंट अल्सर या बेसल सेल कार्सिनोमा, जो हमारी नाक के पास होता है कैंसर वो वहीं पर रहता है, लेकिन कुछ कैंसर ऐसे हैं जो फैल जाते हैं पूरे शरीर में, जैसे ब्लड कैंसर, मैलिग्नेंट कैंसर होता है। तो कैंसर की इस फैलने की क्षमता को बोलते हैं मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस। तो मैलिग्नेंट कैंसर ज्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि वो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, और इसीलिए किसी भी दवाई का उन पर एक जगह पर अटैक करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये है कैंसर के साथ प्रॉब्लम। अब अभी तक हम क्या करते आए थे कैंसर को लेके, जो हम चीजें करते हैं, जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो भी हमारे पास विकल्प हैं, पहले उनको देखते हैं। कैंसर में हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए किसी को कैंसर हो जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, पहले बायोप्सी होती है कि भाई जो टिश्यू है क्या उसके अंदर जो सेल है वो नॉर्मल है या कैंसर के सेल है। अगर पता चल जाए कैंसर है तो सर्जरी कई बार की जाती है या कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी मतलब रसायन दवाइयों की मदद से कैंसर को खत्म करने की कोशिश, और तीसरा रेडिएशन थेरेपी यानी जो तरंगे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे, उनकी मदद से कैंसर को खत्म करने की कोशिश। तो ये तीन चीजें हम करते हैं, और इन तीनों का सिद्धांत एक ही है कि किसी तरह से कैंसर की जो सेल है, कैंसर की कोशिकाएं, उनको कम करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कहीं पर होने चाहिए थे 100, ठीक है, और है 1,00,000, यानी कि कैंसर है, सेल्स की जो ग्रोथ है वो रुकी नहीं है, ठीक है, कैंसर बन गया। अब हमारी कोशिश ये रहती है कि इनका नंबर कम करो, वापस 100 पर लेकर आओ। तो सर्जरी के थ्रू करो, यानी सर्जरी में हम जिस पार्ट में कैंसर है या कैंसर के जो सेल उनको काट के अलग करने की कोशिश करते हैं, कीमोथेरेपी में कैंसर के सेल को मारने की कोशिश करते हैं, और रेडिएशन थेरेपी में हम क्या करते हैं, तरंगों की मदद से इनका नंबर कम करने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो प्रयास है वो ये रहता है कि कैंसर सेल्स का जब नंबर कम हो जाएगा तो फिर कैंसर या तो खत्म हो जाएगा या फिर रेमिशन में चला जाएगा, यानी कि कैंसर जो है वो रुक जाएगा। ये समझ में आया यहां तक आपको? इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब अगेन कैंसर का फैलना,
उसकी वजह से ये सारी जो थेरेपी हैं इनमें तीनों में चैलेंज है ये कि अगर कैंसर बहुत ज़्यादा फैल जाए तो फिर टारगेटेड अप्रोच फॉलो नहीं की जा सकती। अब इससे पहले आगे बढ़ें, इससे पहले आपको इम्यूनोथेरेपी बताऊं, ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है, मान लो 40-50 सैनिक खड़े हैं कहीं पर, ठीक है, और आपको ये कहा जाए कि इनमें एक सैनिक जो है वो दुश्मन का घुस आया है, एक गद्दार घुस आया है और उसको आपको मारना है। ठीक है, तो आप इनके अफसर हो तो आप क्या करोगे, आप इनके पास जाओगे। अब ये सारे सैनिक खड़े हैं, आप इनको पहचानोगे कैसे, सबकी शक्लें याद रखना तो आसान नहीं है। तो आप क्या करोगे, सारे सैनिकों की जो वेशभूषा है उसको देखोगे पहले, वेशभूषा पे जरूर उस कंट्री के साइन होंगे, ठीक है, या उनके एक सैनिकों के खड़े होने का विशेष अंदाज होगा, या उनकी टोपी पे कोई चिन्ह होगा, कुछ ना कुछ तो आप देखोगे। ठीक है, मान लो एक सैनिक ऐसा है जिसकी टोपी जो है वो अलग रंग की है, तो ये आपको अलग नजर आ जाएगा और इसको मारना आसान हो जाएगा। यही सिद्धांत होता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनका काम है हमारी बॉडी के सोल्जर, हमारी बॉडी के जो रक्षक हैं उनका काम करना, जिन्हें हम बोलते हैं टी सेल। इनको हम साइटोटॉक्सिक किलर टी सेल भी बोलते हैं। ये एक तरह के वाइट सेल होते हैं। आपको पता होगा हमारी बॉडी में जो सेल होते हैं ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर, वो दो तरह के होते हैं, एक तो बी सेल और एक टी सेल। जो बी सेल होते हैं वो भी हमारी रक्षा करते हैं और टी सेल होते हैं वो भी हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन दोनों के रक्षा करने के अंदाज में फर्क है। क्या फर्क है, जो बी सेल होते हैं वो एंटीबॉडी बनाते हैं, इसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और जो टी सेल होते हैं ये आके जो सेल होता है उसे खा जाते हैं, जो भी फॉरेन सेल होता है उसे खा जाते हैं। तो टी सेल और बी सेल के अंदाज में फर्क है। हम यहां पे फोकस करेंगे टी सेल के ऊपर, क्योंकि ये वाला जो रिसर्च है ये टी सेल के रिलेटेड में है। इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वो शक्ति है जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। अब ये काम कैसे करती है, ये काम वैसे ही करती है जैसे आपने इन सैनिकों को देखा। हमारे जो ये सेल होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं टी सेल, ये पहचान लेते हैं कि हमारी बॉडी के खुद के सेल कौन से हैं और जो बाहर का है वो कौन सा है। इस सिद्धांत को बोला जाता है मेडिकल साइंस में सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ। समझ में आया, सेल्फ मतलब जो हमारा है, खुद का है, उसको हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो बाहर वाला है, अब यहां पे अगर ये सेल गया तो ये जो लाल रंग वाला सेल है इसे खा जाएगा। समझ में आया, इस तरह से हमारी बॉडी करती है इम्यूनिटी प्रदान। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे जो ये सेल होते हैं जिन्हें हम टी सेल बोलते हैं, ये हमारे खुद के सेल को पहचान नहीं पाते और उनके खिलाफ भी कार्य करना शुरू कर देते हैं। उस केस में ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है। ऑटो इम्यूनिटी मतलब वो रोग होते हैं जब हमारी बॉडी के जो सेल हैं जिनका काम हमारी रक्षा करना है वो हमारी बॉडी के सेल को ही मारने लगे, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। जैसे एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे गठिया बोलते हैं, जोड़ों में दर्द होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो उसमें क्या होता है हमारे जो जोड़ हैं उन्हीं के खिलाफ टी सेल काम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह सिस्टमिक लूपस एराइथ्रोमेटोसस, SLE बोलते हैं, कई तरह के रोग होते हैं। अब यहां पे सिद्धांत समझिए, हमारी बॉडी में अगर कोई काम को करने की क्षमता है तो उस काम को रोकने की क्षमता भी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया, जब खाना खाया मतलब आपको पाचन करने वाले एंजाइम चाहिए बॉडी में, तो हमारी बॉडी इन एंजाइम्स को बनाएगी, लेकिन जब खाना एक बार पच गया तो ये एंजाइम जो है इनका प्रोडक्शन बॉडी रोक देगी। इसी तरह से जब हम कोई काम करते हैं, आप मान लीजिए एक स्विमिंग पूल में है, ठीक है, स्विमिंग पूल में आपको गहराई नहीं पता कितनी है, आप 2 फुट से 6 फुट की तरफ जाने लगते हैं। जब आप 2 फुट से 4 फुट की तरफ पहुंचते हैं तो आपके पैर जमीन पे अचानक लगना बंद हो जाएं अगर, तो आप समझ जाएंगे अब मैं ज्यादा गहराई की तरफ जा रहा हूं, आप रुक जाएंगे वहीं पे। यानी हमारी बॉडी को पता है कि कब कोई कार्य करना है और कब रोकना है। यानी अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने ये देखा कि जो टी सेल हैं वो रुक जाते हैं काम करने से। क्यों रुक जाते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में जो उन्हें रोकता है काम करने से। अगर मान लो ये जो दो वैज्ञानिक है इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने ये दिमाग लगाया कि अगर हमारी बॉडी में कैंसर हो जाता है, ठीक है, तो कैंसर के सेल किस चीज का फायदा उठाते हैं कि टी सेल रुक जाते हैं। अगर मान लो टी सेल ना रुके तो क्या होगा, टी सेल इन कैंसर सेल को अटैक करेंगे, रुकेंगे नहीं, और इन कैंसर सेल को मारने की क्षमता टी सेल्स की कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि फीडबैक को हमें हटाना है, फीडबैक को कम करना है यहां पर।
यानी वो चीजें जो हमारी बॉडी को फीडबैक देकर टी सेल को काम करने से रोकती हैं, अगर हम उनको कम कर दें तो टी सेल उनको छूट मिल जाएगी और वो कैंसर सेल्स के ऊपर अटैक करेंगे। ये दिमाग इन साइंटिस्ट ने लगाया। इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा। यहां पे देखिए, ये एक टी सेल है हमारा, ये हमारा कैंसर सेल है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ ऐसे सेल होते हैं जिन्हें बोलते हैं CTLA4। ये दोनों आप अच्छे से याद कर लो पहले। CTLA4 मतलब साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एंटीजन 4, और PD-1 मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ प्रोटीन 1। ये क्लियर है? CTLA4 और PD-1। CTLA डिस्कवर किया था जेम्स एलिसन ने, और जो दूसरे जापानी वाले वैज्ञानिक हैं उन्होंने डिस्कवर किया था प्रोग्राम्ड सेल डेथ प्रोटीन 1। अब ये काम कैसे करते हैं देखिए, जेम्स पी एलिसन ने क्या किया, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। तो लेफ्ट में जो है ये जेम्स एलिसन वाला सिद्धांत है, और राइट में जो है ये सिद्धांत है जो दूसरे वैज्ञानिक है उनका। तो जेम्स पी एलिसन ने क्या देखा कि जो टी सेल होते हैं इनके ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं CTLA4, ठीक है, और CTLA4 ब्रेक लगाता है टी सेल्स के ऊपर, और हमें क्या करना है, इस ब्रेक को ही तो हटाना है। समझ में आया? यानी ब्रेक हटाएं कैसे, यानी CTLA4 को निष्क्रिय कैसे करें, इसको काम करने से कैसे रोकें, उसके लिए इन्होंने बनाया anti-CTLA4। anti-CTLA4 का आविष्कार किया जेम्स एलिसन ने, और यह क्या करेगा, CTLA4 को काम नहीं करने देगा। और CTLA4 क्या करता था, टी सेल के ऊपर ब्रेक लगाता था। अब ब्रेक हट गए हैं तो टी सेल क्या करेंगे, कैंसर सेल को खत्म कर देंगे। यह क्लियर है? यह सिद्धांत था जेम्स एलिसन का। अब देखते हैं जो दूसरे वाले वैज्ञानिक हैं टासुकु होंजो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी सेम काम किया, बस इन्होंने जो प्रोटीन देखा वो दूसरा था। जिस तरह CTLA4 टी सेल के ऊपर ब्रेक लगाता है, उसी तरह PD-1 भी टी सेल के ऊपर ब्रेक लगाता है। तो इन्होंने एक एंटी PD-1 बनाया, और ये एंटी PD-1 PD-1 सेल को काम करने से रोकेगा, इससे टी सेल के ऊपर ब्रेक नहीं लगेंगे और ये कैंसर सेल को समाप्त कर देंगे। तो दोनों वैज्ञानिकों का सोचने का तरीका बिल्कुल एक था, लेकिन जो प्रोटीन डिस्कवर इन्होंने करे थे वो अलग अलग थे। मोटी बात यह है, टी सेल पर ब्रेक लगने से रोको। अब ये जो चीज है ये इतनी अलग क्यों है? कैंसर में अभी तक हम क्या करते थे, बाहर से चीजें लाके कैंसर सेल को खत्म करने की कोशिश करते थे। अगर कैंसर सेल बहुत ज्यादा हो जाते थे हम सर्जरी करते थे, ठीक है, औजारों की मदद से सर्जरी करके टिश्यू को काट के अलग करते थे, या तरंगे छोड़ते थे कैंसर सेल को मारने के लिए, या कीमोथेरेपी करते थे, दवाइयां खाते थे और वो दवाइयां फिर इन सेल्स को मारती थी, कैंसर वाले सेल को। यहां हम क्या कर रहे हैं, ये पहली बार हम एक नई चीज ट्राई कर रहे हैं जिसमें हमारी बॉडी की खुद की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो डिजीजेस से, विभिन्न तरह की व्याधियों से, विभिन्न तरह की बीमारियों से लड़ने की जो हमारी ही बॉडी की क्षमता है, हम उसको बढ़ा रहे हैं। यानी हमारी बॉडी में जो ब्रेक लग रहे हैं टी सेल के ऊपर, हम उन्हें हटा रहे हैं। तो ये इन दोनों साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है। नोबेल प्राइज जो है कैंसर रिसर्च के लिए और भी पहले मिल चुके हैं, जैसे हगिन्स को मिला था 1966 में, इन्होंने हार्मोन तैयार किए थे प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए, या एलियन एंड हिचिन्स को मिला था 1988 में कीमोथेरेपी के लिए, और ल्यूकीमिया में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए मिला था थॉमस को। अब अगर दवाइयां तैयार करी जाएं ऐसी कि जिनमें CTLA4 और PD-1 इनको डीएक्टिवेट किया जाए, तो फिर ब्रेक हट जाएंगे और टी सेल जो है वो कैंसर सेल को खत्म कर पाएंगे, और विभिन्न तरह के कैंसर, लंग कैंसर, रीनल कैंसर, लिम्फोमा, मेलानोमा, जो बहुत डेंजरस कैंसर है, ये सारे कैंसर जो है ये मैलिग्नेंट कैंसर है, बहुत जल्दी फैलते हैं, तो इनके खिलाफ जो है हम एक नई तरह से सोच देखेंगे। वैसे आपको बता दूं जो रिजल्ट आए हैं अब तक काफी अच्छे आए हैं, और इन्होंने जो भी दवाइयां तैयार की हैं इनके रिसर्च के ऊपर, उन्होंने देखा है कि जो चांसेस हैं मरीजों के सर्वाइव करने के वो थोड़े से बड़े हैं। अभी बहुत काम करना होगा, ये एक शुरुआत है, लेकिन एटलीस्ट इन दो वैज्ञानिकों ने अपने 28 साल के रिसर्च के बाद ये करके दिखाया है। तो इनके प्रसेवरेंस को सैल्यूट, ये चाहते तो हौसला हार सकते थे 2-3 साल में, लेकिन 28 साल तक इन्होंने रिसर्च कराया। 1990 में रिसर्च स्टार्ट हुआ था, अब 2018 में हम बात कर रहे हैं, तो एक नई दिशा दी है कैंसर के रिसर्च को, तो इसलिए मिला है इन्हें नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2018। सो ये था वीडियो, आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश करी। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और अगर आप अगले 24 घंटे के अंदर कमेंट करते हैं तो मैं उसका रिप्लाई पर्सनली करूंगा। थैंक यू सो मच, सी यू।